Hello friends, welcome again in my YouTube channel Mind Blowing Engineers Point. दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि CPU क्या होता है. ठीक है, CPU क्या होता है? CPU एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है, पार्ट है ऑफ कंप्यूटर का. यह हम लोग ने देखा था, इसे एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है. यह बहुत ही हाई स्पीड से वर्क करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, ये सब हम लोग ने देखा था. तो चलिए, इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माउस क्या होता है. तो चलिए, इसके साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं. माउस इज एन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पॉइंटर डिवाइस that is used to selecting an option to perform an operation. यह एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पॉइंटर डिवाइस है, क्योंकि इसका यूज किया जाता है किसी भी बहुत सारे ऑप्शंस को में से किसी ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए, पिक करने के लिए, क्लिक करने के लिए, क्लिक करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है. According to me, this is a quick input hardware device. According to me, ये नोट्स हम बनाए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशली. ठीक है, तो हमने इसका मतलब कुछ टोटली जो नोट्स है खुद से बनाया है, तो यही यहाँ पे लिखे हैं हम. According to me, this is a quick input hardware device. क्योंकि आपको इनपुट देना होता है, तो आप की मदद से दीजिए तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन इससे क्विकली यानी तुरंत आप इनपुट दे सकते हैं, यानी तुरंत किसी भी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कहीं से भी उसको प्रेस करके कहीं ले जाकर शिफ्ट कर सकते हैं. तो वही यहाँ पर दिया गया है, क्विक इनपुट हार्डवेयर डिवाइस, यह एक इनपुट हार्डवेयर डिवाइस भी. माउस हैज थ्री बटन्स, लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन एंड मिडिल बटन इज कॉल्ड स्क्रॉल बटन. इसके पास माउस में जो होता है तीन ठो बटन होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड मिडिल जो बटन होता है उसे स्क्रॉल बटन कहते हैं. जैसे पेज आपका हो गया तो वो इस पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज किया जाता है, अप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है. अपर साइड में स्क्रॉल कीजिए या फिर डाउन साइड में स्क्रॉल कीजिए, इसीलिए इसका यूज किया जाता है. ए माउस रिड्यूसेस योर इफोर्ट एंड मेक इजी ऑफ योर टास्क. यह माउस जो है आपके प्रयासों को रिड्यूस करता है, आसान करता है आपके कामों को. ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माउस क्या होता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ माउस, वायर्ड माउस एंड वायरलेस माउस. दो प्रकार के माउस होता है, वायर्ड माउस एक वायरलेस माउस. वायर्ड माउस क्या होता है? ए वायर्ड माउस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप. एक प्लग के थ्रू आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग. सिंस इट इज ए वायर्ड माउस, सो इट कनेक्ट्स थ्रू PS2 पोर्ट और USB पोर्ट एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन थ्रू कोड. यह जो होता है एक वायर्ड माउस है, चूंकि यह एक वायर्ड माउस है इसलिए यह डायरेक्टली कनेक्ट होता है PS2 पोर्ट और USB पोर्ट. इसका जो जिससे कनेक्ट होता है उस पोर्ट का नाम है USB पोर्ट या फिर PS2 पोर्ट कहा जाता है. PS2 पोर्ट से आपका कीबोर्ड भी कनेक्ट होता है, इसलिए इसे PS2 पोर्ट कहा गया है. और ट्रांसमिट्स करता है इंफॉर्मेशन थ्रू कोड, यानी इस वायर से होकर के आपका
इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है टू द कंप्यूटर। दोस्तों देखिए यही है आपका वाइट माउस, दिस इज लेफ्ट क्लिक बटन, दिस इज राइट क्लिक बटन एंड दिस इज मिडिल क्लिक बटन, इट मींस स्क्रॉल बटन। ये आपका राइट क्लिक बटन हो गया, लेफ्ट क्लिक बटन हो गया, राइट क्लिक बटन हो गया, ये आपका स्क्रॉल बटन हो गया जो कि पेज को स्क्रॉल करने में मदद करता है, और ये आपका वायर हो गया, इसी वायर के थ्रू लैपटॉप से कनेक्ट होता है, इसे ही यही है आपका वायर्ड माउस। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने वायर्ड माउस देख लिया, अब वायरलेस माउस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वायरलेस माउस और माइस ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन इन रेडियो सिग्नल्स टू ए रिसीवर दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर। वायरलेस माउस जो है इंफॉर्मेशन को रेडियो सिग्नल्स में सिग्नल के थ्रू जो है रिसीवर तक यानी कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, जिसके थ्रू आपका माउस जो है कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। माउस को हम माइस भी बोलते हैं, MICE माइस। द कंप्यूटर एक्सेप्ट द सिग्नल्स यानी रेडियो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और उसे डिकोड करता है कि किस प्रकार का यह सिग्नल है। द कंप्यूटर एक्सेप्ट द सिग्नल एंड डिकोड देम हाउ द कर्सर वाज मूव्ड एंड व्हाट बटन्स वाज क्लिक्ड। या जो है इसको डिकोड करने के दौरान यह मालूम करता है कि किधर कर्जर जो है मूव करेगा और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसी के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इट हैज फ्रीडम बिकॉज इट इज वायरलेस। वायरलेस माउस जो है आप कहीं भी रह करके मूव कर सकते हैं, यह जो है पूरा फ्रीडम होता है। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू गेस्चर एज ए वाइड माउस। यह जो है इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है लो होता है देन द वाइड माउस के अपेक्षा, क्योंकि वाइड माउस जो है उसे जो डाटा ट्रांसफर होता है या फिर जो ऑपरेशन के लिए सिग्नल ट्रांसफर होता है वाइड के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, इसलिए वह फास्ट होता है देन द वायरलेस माउस के अपेक्षा। वही यहाँ पे कह रहा है दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू गेस्चर एज वाइड माउस। वाइड माउस में तुरंत वह गेस कर लेता है कि किधर कर्जर को मूव करना है और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इसमें तुरंत यह गेस नहीं कर पाता है। अब नोट में क्या लिखा है देख लेते हैं। ऑल दी अदर टाइप्स ऑफ माउस सच एज ऑप्टिकल, ब्लूटूथ, लेजर, वर्टिकल, ट्रैक बॉल, मैजिक, USB एंड गेमिंग माइस, यानी जितने भी अदर माउस मतलब अदर टाइप्स है ऑफ माउस के, वो सभी या तो वायर्ड होते हैं या फिर वायरलेस होते हैं। जितने भी माउस आते हैं या तो वायर्ड होते हैं या वायरलेस होते हैं। ठीक है, यही कह रहे हैं, देखिए यही है आपका वायरलेस माउस, दिस इज योर वायरलेस माउस। ये आपका हो गया लेफ्ट क्लिक बटन एंड दिस इज राइट क्लिक बटन एंड ये आपका हो गया स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कीबोर्ड क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।